अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट माहा भट्ट। इंडियन न्यूज़ का प्रोग्राम 5 फरवरी मेरी नज़र में। इस टाइम मेरे साथ मौजूद है डायरेक्टर ऑफ पंजाब कॉलेज मोहम्मद अकमल। इनसे बात करते हैं कि वो 5 फरवरी के हवाले से अवामुल नास को क्या पैगाम देते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 5 फरवरी हर साल की तरह आज भी हम कश्मीरियों के साथ, इस दफ़ा भी, इस साल भी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के तहत मनाएंगे। देखना हमें ये चाहिए कि ये एक जस्ट फॉर्मेलिटी ना रहे और इस दफ़ा हम एक नए अज़म के साथ इस चीज़ की कोशिश करें कि हम अपने उन मुसलमान भाइयों के लिए, कश्मीरियों के लिए प्रैक्टिकली कुछ कर सकें। और ये देखना चाहिए कि पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि एक एंटी मुस्लिम कैंपेन है, जहाँ पर भी मुसलमान हमें पिसते हुए नज़र आते हैं। इसमें एक तो हम यकीनन गिला करेंगे उन तमाम अनासर से जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह की साजिशें करते हैं, मगर इसके साथ साथ हमें देखना चाहिए कि आखिर हम में, मुस्लिम नेशन में, इस उम्मत में कौन सी ऐसी इस वक्त कमज़ोरियां हैं जिनका वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरे ख़्याल में दो कमज़ोरियां हैं। नंबर एक, कि हम में यूनिटी नहीं। वो हम अपने मुल्क की बात कर लें या तमाम इस्लामी ममालक की बात कर लें, भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि हम यूनिटी के साथ इन साजिशों का और इन असर का भरपूर मुकाबला करें। और दूसरा, हाँ, जो आजकल का दौर है इसमें एक इकनॉमिक वार है। हम हमेशा इस चीज़ के ऊपर ना अपनी कभी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना सके हैं ना नेशनल पॉलिसी बना सके। तो करना हमें ये चाहिए कि अपनी कमज़ोरियों के ऊपर काबू पाना चाहिए। अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हों, इन कर्ज़ों के बोझ तले से निकलें, तो ये इंटरनेशनल जो अदारे हैं वो हमें ब्लैकमेल ना कर सकें और हम अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी के तहत आगे बढ़ते हुए इन अनासर का मुकाबला कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।